मानी मीडियम इंजन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने 105 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इनकी कंपनी का जो स्टेक था हॉर्लिक्स का वो HUL को भी बीच में इन्होंने बेचा था और काफ़ी अच्छा मीन स्टॉक ग्रो किया है। और आप अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई के ऊपर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दिया है, काफ़ी लोगों के पास ये स्टॉक हो सकता है। तो ये कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथ कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, 7,708 के ऊपर क्लोजिंग थी इसका। 52 वीक हाई 7,948 मीन्स हाई से थोड़ा सा नीचे है और लो देखेंगे तो 5,960। पहले भी इस कंपनी के बारे में बताया, काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर किसी ने पहले लिया होता जब ये स्टॉक 5,500 के करीब चल रहा था उस टाइम पे, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, तो आज काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उस टाइम थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी जब इनका स्टेक बेचने का चल रहा था, तो काफ़ी अच्छी ये कंपनी है। और अगर इनके मार्केट कैप देखेंगे तो 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 1,050 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया। तो इसी के बारे में जानेंगे, इसका लेटर BSE से निकाला है, आपको मैं वो दिखाता हूँ कब रिकॉर्ड डेट है। तो सबसे पहले इनके फाइनेंशियल देखेंगे ताकि आपको आइडिया आ सके कैसे इनके फाइनेंशियल्स भी ग्रो हो रहे हैं। इनका टोटल इनकम 1408 करोड़ का मार्च क्वार्टर में था और दिसंबर में 1241, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और रिकॉर्ड है, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 285 करोड़ का निकल के आया और 221 लास्ट क्वार्टर के अंदर था, तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स इस कंपनी के भी आए हैं। और इनका जो डिविडेंड है काफ़ी अच्छा डिक्लेयर किया है, तो इसका रिकॉर्ड डेट भी हम देखेंगे ताकि आपको भी आइडिया आ सके और अगर आपके पास है तो आप उस टाइम तक होल्ड कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं, लेटर मैंने BSE की साइट से निकाला है, आप भी निकाल के इजीली देख सकते हैं। 105 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया जो कि 1,050 रुपये के करीब होता है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट रहने वाला है वो बुक क्लोजर डेट रहता है 27 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक, तो इससे पहले एक दो दिन पहले एक्स डेट होता है, तो उससे पहले आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको एलिजिबल रहना है, या अगर आपके पास है तो 2 अगस्त तक आपको होल्ड करना चाहिए अगर आपको एलिजिबल रहना है। और काफ़ी अच्छा स्टॉक ग्रो कर रहा है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। अगर प्रॉफिट भी बुक करना है तो आगे जाके थोड़ा प्रॉफिट भी बुक इजीली कर सकते हैं, फिर नीचे लेने का मौका मिलेगा, फिर आप लीजिए गिरावट के अंदर। तो आज इसी के बारे में बोलना था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक हम पहुँचाते रहें जल्द से जल्द। चलिए, थैंक यू।